हेलो दोस्तों, मैं सागर सागर रोबोटिक्स में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक काफ़ी आसान तरीके से और काफ़ी कम पैसे में एक सोल्डरिंग आयरन बना के दिखाने वाला हूं, जो कि काफ़ी पावरफुल है। उसके लिए आपको एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा लगने वाला है, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ, थोड़ा छील लेता हूँ, घिस लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ और उसका एक हैंडल टाइप का बना लेता हूँ। देखो, मैंने उसको घिस के छील के सब कुछ हैंडल टाइप का बना लिया और उसके अंदर एक होल भी कर दिया। तो ये सैंड पेपर से, रेगमाल से कैसे भी आप कर सकते हो, या फिर ऐसा टुकड़ा भी कट करके लगा सकते हो, कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको एक ऐसा स्टील का पाइप ले आना है। ये आपको 2 या 3 रुपए का जो अपनी वो विंडो ग्रिलिंग का जो काम करते हैं उनकी दुकान पे मिल जाएगा। ये मैंने कुछ 6 रुपए फीट के हिसाब से लाया था, लेकिन आपको सिर्फ 3 इंच का टुकड़ा ले आना है, जो कि 2-3 रुपए में, या फिर इतना टुकड़ा तो वो आपको फ्री में भी दे देंगे, उनके पास पड़े रहते हैं। तो इसके अंदर जो भी कुछ है ये कट किया हुआ था, तो उसको निकाल लेना होगा। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। देखो, इस तरीके का जो टुकड़े है उसको निकाल लेते हैं, वरना अंदर कहीं पे शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। तो देखो, ये जो आप स्क्रू ड्राइवर देख सकते हो, ये मैंने जो पुरानी बाइक की तिल्ली आती है स्पोक, उससे बनाई है, काफ़ी अच्छी है, आप जाके देख लेना। तो देखो, अब ये इसके अंदर बिठाना होगा हमें, जिससे कि ये मार्केट की जो सोल्डरिंग आयरन आती है वैसा ही ये दिखना चाहिए, और वर्किंग तो उससे भी अच्छा करना चाहिए। तो उसको चिपकाने के लिए मैं बॉन्डटाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप यहाँ पे एमसील, बॉन्डटाइट, फेविटाइट या फिर एरल्डाइट कुछ भी लगा सकते हो। मैं इन दोनों जो ट्यूब्स है इनको मिक्स कर लेता हूँ और उसके बाद हम इनको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप एमसील का भी यूज़ कर सकते हो, अच्छे से वर्क कर जाएगा, लेकिन मैं एरल्डाइट लगा रहा हूँ। तो ये सोल्डरिंग आयरन हमें मार्केट की जैसी आती है वैसी ही दिखनी चाहिए और वैसा वर्क भी करनी चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा वेट के चलने वाली है, और इसका खास बेनिफिट ये है कि आप इसको बैटरी से भी चला सकते हो, और अगर आपके पास वो ऐसा लकड़े का टुकड़ा हैंडल नहीं है तो आप पीवीसी पाइप को भी ऐसा एमडीएफ बोर्ड लगा के ऐसी बना सकते हो, कोई बात नहीं है। आप ऊपर का कैसे भी बनाओ, लेकिन जो अंदर का एलिमेंट है वो मैं जैसे दिखा रहा हूँ वैसा ही आपको बनाना है। और एक इसकी बात मैंने आपको बताई ना कि आप इसको बैटरी से भी चला सकते हो, और उसके साथ साथ एक काफ़ी जल्दी हीट हो जाती है, मतलब लगाते ही ये हीट हो जाती है और काफ़ी अच्छा लॉन्ग टाइम तक वर्क करने वाली है। और उसके बाद और एक बात है कि इसके अंदर हम कॉपर का कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले, जैसे कि वो जो बीट हो गया या फिर उसका जो तार हो गया या फिर कोई सरई हो गई, तो कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले। उसकी जगह पे हम यहाँ पे जो अपना नेल रहता लोहे का वो यूज़ करने वाले, लेकिन ये थोड़ा गंदा हो चुका है, जंग लग चुका है, तो इसको थोड़ा साफ़ कर लेते और फिर यूज़ करेंगे। तो ये वही नेल है जो कि आपने देखा होगा हार्डवेयर की शॉप के या फिर अपने घर में भी पड़ा होता है। तो आपको ये टेस्टर का कैसा है वैसा ही इसको घिस देना है, लेकिन सिर्फ एक तरीके, एक ही साइड से घिसना है। जैसे आपने सोल्डरिंग आयरन का बीट देखा होगा, देखो मैंने इसको एक साइड से घिस दिया और जैसे सोल्डरिंग आयरन का बीट रहता है उसी तरीके से बना लिया है। उसके बाद आपको एक फाइबर स्लीव लेनी है, ये आपको मोटर वाइंडिंग शॉप पे काफ़ी आसानी से और काफ़ी सस्ते में मिल जाती है। तो ये ऐसा इतना कुछ हो जाने के बाद आपको एक निक्रोम वायर लगने वाली है। तो ये देखो, ये जो पुराना हेयर ड्रायर था ख़राब वाला पड़ा मेरे पास, उसमें की मैंने निकाल लिए। आप इसकी जगह पे मार्केट में से भी ला सकते हो, या फिर कोई सोल्डरिंग आयरन का ख़राब एलिमेंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, पंखा, टीवी, कुछ भी जो भी कुछ है रिपेयर होता है, वहाँ पे ख़राब जो सोल्डरिंग आयरन की या फिर ऐसी जो कॉइल पड़ी होती है वो आप मांग के ला सकते हो, वो आपको काफ़ी आसानी में फ्री में भी दे देंगे, क्योंकि उनके कुछ काम की नहीं होती है। या फिर आप अपने घर के कोई पुराने हीटर में से, ख़राब में से निकाल सकते हो। देखो, आपको ऐसे इसको टेस्ट कर लेना है, ये ज़्यादा हल्का सा हीट, मुझे हल्का सा मतलब बहुत हीट होना चाहिए, लेकिन लाल नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ा ही लाल होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा रेड हॉट हो जाता है तो ये टूट जाएगा। तो आपको ऐसा इसका नाप ले लेना है और उसके बाद कट कर लेना है। तो आप जितनी पावर सप्लाई का बनाना चाहते हो उसके हिसाब से नाप ले सकते हो। तो मैंने इतना टुकड़ा ले लिया जो कि मेरे पावर सप्लाई के ऊपर काफ़ी सफिशियंटली वर्क करता है। तो अब आपको सिंपली इसके ऊपर इसको लपेट देना है, लेकिन ध्यान रहे कि हम जो ये वायर लपेट रहे हैं निक्रोम वायर, तो इसके ये जो टर्न है ये एक के ऊपर एक नहीं आने चाहिए, वरना वो शॉर्ट हो सकता है वहाँ पे। तो आपको ऐसे इसको लपेट देने हैं। दोस्तों, ये काफ़ी आसानी से बन जाने वाली है और काफ़ी कम खर्चे में, और ये इतना अच्छा वर्क करती है कि मार्केट की जैसी आती है वैसा ही सेम वर्क करती है। तो मैं आपको ये पूरा दिखाने वाला हूँ। तो आपको उसके बाद ऐसी वायर ले लेनी है और थोड़ी लंबी छील देनी है, वायर थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लेनी है। उसके बाद फाइबर स्लीव ले लेनी है जो कि इसके अंदर हम डाल देंगे। देखो, मैंने इसके अंदर फाइबर स्लीव डाल दी,
क्योंकि हम अगर वायर का इंसुलेशन रहने देते तो वो रबड़ का रहता है, और जैसे ही ये हीट होगा तो इंसुलेशन जल जाएगा और हमारी जो सोल्डरिंग आयरन है वो शॉर्ट होके ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपको यहाँ पे फाइबर स्लीव डालना है। तो इसके दोनों टर्मिनल्स में यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ वायर के साथ में। इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो आप कैसे भी उल्टे सीधे कैसे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, और इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर जरूर कर दूंगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो और बाजू का बेल आइकन भी दबा दो। मेरे चैनल पे 100 से ज़्यादा इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक पड़े हैं, तो आप उनको भी एक बार ज़रूर जाके चेक करना। तो अब आते हैं इसके ऊपर के इंसुलेशन के ऊपर। तो आपको टेफ्लॉन टेप, जो कि मार्केट में 10 रुपये का पूरा बंडल मिल जाता है, ये आपने देखा होगा हार्डवेयर शॉप के ऊपर, जो भी कुछ वो प्लम्बिंग का काम होता है वहाँ पाइपों को लगाने के लिए उसका यूज किया जाता है। देखो ये पूरा हीट प्रूफ रहता है, मैं इसको लाइटर की फ्लेम के आगे भी जला रहा हूँ लेकिन इसको कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो ये जैसा का वैसा ही है, मैं आपको अंधेरे में भी दिखा देता हूँ। देखो तो इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है हीट का, ये हीट की वजह से कुछ भी नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहता है। तो आप फाइबर स्लीव की जगह पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अब यहाँ पे हम जो ये टेप लगा रहे हैं इसकी जगह पे फाइबर स्लीव का यूज कर सकते हो। तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये महंगा नहीं आता, आप ले आ सकते हो, या फिर आपके घर में भी पड़ा होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है जहाँ पे हमें हीटिंग का काम करना है, ये हीट की वजह से ख़राब नहीं होता। तो देखो मैं इसको लपेट लेता हूँ, तो आपको थोड़ा ज़्यादा लपेटना है ताकि कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो, और ये काफ़ी पतला होता है तो ये काफ़ी आसानी से ऐसे बैठ भी जाता है और हीटिंग से इसका कुछ भी नहीं होता। तो देखो अब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अब ये जो हमने रखा था वो भी सूख चुका है। अब आपको लेना है एमसील, ये आपको मार्केट में 5 रुपये का भी मिल जाएगा, 10 रुपये का भी मिलेगा, कितने का भी जैसा आप लेना चाहते हो वैसे मिल जाएगा। आपके घर में पड़ा है तो कोई बात नहीं है, तो वो भी आसानी से आप यूज कर सकते हो। तो मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ अच्छे से, और मैंने जो आपको थंबनेल में प्राइस दिखाया वो कुछ इसके जो बेसिक एलिमेंट है उसका था, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ का प्राइस इसके अंदर मिलाते चलना, जैसे कि एरल्डाइट हो गया, एमसील हो गया, कोई टेप हो गया, तो ये तो हमारे घर में पड़े ही रहते हैं तो उनका हम इसके अंदर प्राइस जो है वो ऐड नहीं कर सकते। तो देखो मैं इसको इसके अंदर डाल लेता हूँ और पीछे से आसानी से निकाल लेता हूँ। तो ये जो है इसको भी इसके अंदर ऐसे लगा देंगे। अब यहाँ पे हम इसको सेट करना होगा, तो उसके लिए हम एमसील का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एमसील जो है वो हीट से ख़राब नहीं होता और कुछ भी नहीं होता। तो आपको यहाँ पे एमसील लगा देनी है, तो ये जो हमारी बीट है उसको आपको बीच सेंटर में रखनी है और एमसील लगा के इसको सूखने के लिए छोड़ देनी है। देखो और पीछे से भी थोड़ा सा लगा लेना जिससे कि वायर खींची ना जाए। तो देखो ये पूरा का पूरा सूख चुका है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो रॉड है इसका कलर चेंज हो चुका है और बीट भी काली पड़ चुकी है। ये इसका कारण ये है कि मैंने इसको जब देखा रात में कि ये पूरा सूख चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो मेरे अंदर चुल मची थी कि इसको टेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं तब कैमरा लगाने के मूड में नहीं था। तो मैंने इसको पर्सनली टेस्ट किया, देखा कितने अच्छे से वर्क करता है, क्या है, तो उसमें वो थोड़ा हीट हो गया, तो वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो ये मेरा पावर सप्लाई है, इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दूंगा। आप यहाँ पे जो बाइक की बैटरी है वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी कुछ भी यूज कर सकते हो। तो देखो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, तो मतलब ये मैंने पहले भी एक बार टेस्ट किया, काफ़ी अच्छा वर्क किया, और अब आपके सामने दूसरी बार टेस्ट करता हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग करके देखी, इसने काफ़ी अच्छे से वर्क किया। देखो इसमें से स्मोक आ रही है, ये हीट हो चुकी है, देखो ये काफ़ी जल्दी हीट हो जाती है। अभी हम इसको थोड़ा और हीट होने देते हैं, देखो तो ये पूरा हीट हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि ये जो हमारा सोल्डर वायर है इसको कितने अच्छे से पिघला रहा है, और इसका जो लुक है कोई भी आप किसी को भी दिखाओगे तो वो बोलेगा कि आपने मार्केट से लाया है, आपने घर पे बनाया है, ऐसा तो कभी सोच भी नहीं सकता। और आप इसकी वर्किंग भी देख सकते हो ये, और इसकी खास बात यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा दिनों तक आपके साथ रहेगी, आपका काफ़ी अच्छा काम कर देगी। तो देखो ये डी सोल्डरिंग भी अच्छे से कर रही है और सोल्डरिंग भी अच्छे से कर रही है, क्योंकि ये जो हमारा सोल्डरिंग वायर है इसको काफ़ी अच्छे से मेल्ट कर रही है। तो मैं अभी आपको सोल्डर भी करके दिखा देता हूँ, और आपको इसका जो लुक है वो और इसकी वर्किंग
आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन भी दबा देना। और तब तक आप मेरे ये वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल के ऊपर एक बार जरूर जाना और जो बाकी के वीडियोज है उनको भी देख लेना। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज है और मैंने एक रिचार्जेबल सोल्डरिंग आयरन भी बनाई है, आप वो भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये अच्छे से वर्क कर रहा है, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी वीडियोस देख लो। बाय बाय दोस्तों।